गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इसे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किया था, हम ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास एसिड्स हैं उसमें क्या ट्रेंड्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है। उसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड डिस्कस किया है। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। और टुडे टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। और जो स्ट्रेंथ है ऑक्सो एसिड की वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल। जो साइज है हमारे पास सेंट्रल एटम उसका साइज क्या है। साइज मीन्स जैसे मैं अगर बात करूं ई ओ एच और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप लिख सकते हो एच सी एल ओ, मीन्स ये कैसे है क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जो मेरे पास ई है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसका साइज कैसा है, साइज ऑफ द एटम, साइज के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम एंड लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेंट्रल एटम। ये तीन फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी हम एसिडिटी का फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने कोई एक ऑक्सो एसिड कंसीडर किया। अब मैं तीनों फैक्टर को डिस्कस करता हूं। यहां पे ई की जगह सी एल ओ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये सेम ही है वैसे तो, सिर्फ वो डिफरेंट उसमें लिखा हुआ है। सो ये सब हो सकते हैं। ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ओ एच ओ एच जो एसिड्स हैं एच सी एल ओ एच बी आर एच आई ओ। अब मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। ई की अगर मैं बात करूं, ई जितना कम उसका साइज होगा स्मॉल साइज होगा, जितना उसका साइज क्या होगा स्मॉल होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हाई होगी। स्मॉल साइज होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सपोज करो यहां पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या कर रहा है स्मॉल साइज एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन क्या करे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इसकी पावर थ्री है, मीन्स समझाने के लिए ये थ्री पावर से कर रहा है, टू पावर से, सिंगल पावर से। इलेक्ट्रॉन को जितना स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। पोलराइज मीन्स वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहां पे इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। स्मॉल साइज होगा और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वैसे भी अगर मॉलिक्यूल का साइज कम है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। आपको पता है क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जब हम कार्बन टू फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं जैसे साइज डिक्रीज करते हैं लेफ्ट टू राइट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है इंक्रीज करती है विद देयर साइज। और क्लोरीन का साइज सबसे कम है, ब्रोमीन का साइज उससे ज्यादा, आयोडीन का साइज उससे ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप क्या करे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है आप सभी को पता है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है वो इंक्रीज करती है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की कम है, आयोडीन की कम है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो वो कहां से करेगा ऑक्सीजन से करेगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आएंगे
और ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आए, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या इलेक्ट्रॉन यूटिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन से। और जब वो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या जाएगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाएगा। हर एक के केस में क्या होगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। सो यहां से क्या क्लियर होता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम इंक्रीज कर, साइज ऑफ द एटम डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे सो उसमें जो OH बॉन्ड है हाईली पोलराइज होगा, पोलराइजेशन की वजह से जो प्रोटॉन होगा वहां से वो इजिली रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन क्या होगा इजिली रिलीज हो जाएगा। सो अगर मैं इनकी एसिडिक ट्रेंड की बात करूँ, जो इनका एसिडिक ट्रेंड है वो किस तरह से है, सबसे पहले क्या होगा HClO, देन HBrO, देन HIO, और इनकी पी के वैल्यू दी हुई है 7.4, 8.7 एंड 11, 7.4, 8.7 एंड 11 पी के, ये कम है तो के ज़्यादा होगा, के ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन वहाँ से क्या होगा इजिली रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन वहाँ से इजिली रिलीज। वैसे भी अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप में बात करूँ क्लोरीन टू ब्रोमीन, अगर आप डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, साइज क्या कर रहा है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एसिडिटी वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके, इसमें एक चीज़ और नोटिस की गई है कि जो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड है EOS, जो इस तरह के कंपाउंड है, ये कंपाउंड तभी एसिडिक बिहेव करते हैं जब जो E की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन वन है। ये कंपाउंड क्या है, तभी एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं जब E की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन वन है। इसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जिस तरह के हमारे पास कंपाउंड है वो एसिडिक तभी बिहेव करेंगे इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन वन। जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3, ग्रेटर देन वन है, इसलिए इसका जो नेचर कैसा है, एसिडिक है। लेकिन अगर मैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, वहां पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है लिथियम की, वह 1, इसलिए जो लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, बेसिक होता है। जो लिथियम हाइड्रोक्साइड आयन का नेचर कैसे होता है, वो बेसिक होता है। सो ये हमारे पास ऑक्सो एसिड थे, इसके बाद कुछ ऑक्सो एसिड और हैं जिनकी मैं डिस्कशन करता हूँ जिनके पास। अगर मैं जो मेरे पास यही है जैसे EOH, अगर मैं वहां पर ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता हूँ, कोई मैं एडिशनल उसमें ऑक्सीजन एटम लिख देता हूँ, कोई दूसरा भी एटम वहाँ पे आ जाता है, जैसे मेरे पास HClO है, HClO2, HClO3, HClO4, ये सारे क्या एसिड्स, ये क्या देगा CLO नेगेटिव, CLO2 नेगेटिव, CLO3 नेगेटिव एंड दिस वन गिव CLO4 नेगेटिव, ये सारे क्या हैं, कंजुगेट बेस, ये सारे क्या हैं कंजुगेट बेस। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ सो वो कितनी है, +1, -2,
प्लस वन, प्लस थ्री, यहाँ पे कितनी होगी, प्लस फाइव, एंड एयर इज प्लस सेवन। यहाँ पे कितनी है, प्लस वन, थ्री, फाइव एंड सेवन, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे वो क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन एटम इंक्रीज कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो उस केस में क्या होगा कि जो OH बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो मेरे पास जितने मॉलिक्यूल हैं इन सब में क्या है, जो हाइड्रो एसिड है, जो OH ग्रुप है वो एक ही है, OH इज ओनली वन, इन सभी में जो OH है वो सिर्फ एक ही है। सो जो OH बॉन्ड में पोलराइजेशन बढ़ेगा, और OH बॉन्ड में पोलराइजेशन बढ़ने से जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्ट्रांगली उसको H पॉजिटिव को इजिली रिलीज करेगा, और वैसे भी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। मैंने दो फैक्टर कहे थे आपको वहाँ पे, स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, सेम है, लेकिन जैसे जैसे क्लोरीन पे चार्ज बढ़ रहा है, प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन, जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो जो उसका साइज है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज करने से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर रही है वहाँ पे, सॉरी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी वहाँ पे, इंक्रीज करेगी, जो उसका एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। इतना ही हो गया। सेकेंड, जो हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, उसको हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही इजिली फॉर्म होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मोर इजली इट इज फॉर्म, मोर इजली इट इज फॉर्म का मतलब क्या है कि वो इजली, सो इट पेरेंट मॉलिक्यूल रिलीज एच पॉजिटिव रिपीडली, रिपीडली या इजली हम ये कह सकते हैं। अब मैं इनमें बात करूं जो नेगेटिव चार्ज है, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज को सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वो जो उसके पास नेगेटिव पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है उसको क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा, जो चार्ज डेंसिटी है उसको वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बाय पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है, ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर उसका हो सकता है, स्ट्रक्चर पे आप बिल्कुल ये मत ध्यान देना कि स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत बनाया हुआ है, ये मेरे पास कंजुगेट बेस है। अब कंजुगेट बेस में क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, जो कंजुगेट बेस बने हैं, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा मीन्स जितना इजीली वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो, या पाई बॉन्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा हो, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं कि पाई, या तो पाई बॉन्ड के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, या ज़्यादा मॉलिक्यूल पे वो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लाइक ये इधर जा सकता है, ये इधर, मैं एक मॉलिक्यूल में बना के दिखा देता हूँ आपको,
आफ्टर दैट ये इधर, ये इधर, अगेन ये इधर, ये इधर। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये इधर, ये इधर, ये दो ही बार हो सकता है, ये इधर, ये इधर होता है, और यहाँ पे ये सब की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जो कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किया कौन सा होगा, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को रिवॉल्व होने के लिए इसके पास क्या है, थ्री नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, इसके पास दो है, इसके पास एक है, और इसके पास कोई भी ऑक्सीजन आइटम नहीं है। सो ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज है, आफ्टर दैट दिस एंड देन दिस वन। इसको हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कि जो मेरे पास कंजुगेट बेस है उनकी स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड रहेगा। हमारे पास किसी भी तरह का एसिड हो, आपको H3PO4 हो, आपके पास जितने भी तरह के आपके जो एसिड हैं, आपको उसका जो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज है, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मॉलिक्यूल की उतनी ही वहां पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो उतना इजिली फॉर्म होगा। और उसको फॉर्म होने के लिए, उसको बनने के लिए सबसे मेनली क्या, क्योंकि जब वो एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा तभी कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। इफ देर इज नो रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव देन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस। सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, मोर इज द मोर इजिली इट इज फॉर्म्ड। इसके बाद हम इसमें और बात करते हैं, जैसे हमारे पास KMnO4 हो गया, HNO3 हो गया, या HNO2 हो गया। KMnO4 में क्या होता है, मैंगनीज पे कितना प्लस, KMnO4 होता है प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहां पे जो, जैसे अगर मैं बात करता हूं KMnO4 एक्चुअल में है क्या, O3 इस तरह से। KMnO4 भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एसिड होता है, और HNO3 HNO2 नाइट्रिक एसिड, एंड दिस वन इज नाइट्रस एसिड। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहां पे तीन ऑक्सीजन आइटम और यहां पे दो ऑक्सीजन आइटम है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं इसको स्ट्रॉन्ग और वीक लिख रहा हूँ, और जिनकी पीके वैल्यू है वो क्या है, पीके वैल्यू एन की इसकी है 3.3 के अराउंड, और उसकी है वहाँ पे, सॉरी दिस वन इज 3.3 एंड दिस वन इज 1.4, माइनस में वैल्यू ज़्यादा है पीके की, तो के क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसमें के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डाउनवर्ड और अपवर्ड एरो मतलब वहाँ पे वही है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास एस्टिक एसिड हो गया, अगर मैं एस्टिक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हम बात कर रहे हैं एस्टिक एसिड की, अगर मैं एस्टिक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, क्लोरीन से रिप्लेस कर रहा हूं सपोज करो, मैं ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इनमें अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि जब इसमें एच पॉजिटिव रिलीज होता है तब बनता क्या है, क्लोरीन, 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 सी डबल बॉन्ड, ओ नेगेटिव, ये क्या कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है, और कंजुगेट बेस में जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यहां पे स्टेबलाइजेशन क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो तीन क्लोरीन एटम लगे हैं वो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को
स्ट्रोंगली अपनी तरफ पुल करेंगे, और जितना स्ट्रोंगली अपनी तरफ पुल करेंगे जो यहाँ पे ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो उतना ईजिली स्टेबलाइज होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा जिसका पेरेंट मोलिकूल होगा उतना ही वो स्ट्रोंग क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी एसिडिटी होगी। अब फ्लोरीन को रिप्लेस, फ्लोरीन से रिप्लेस कर लो, क्लोरीन से रिप्लेस कर लो, ब्रोमीन से रिप्लेस कर लो, आयोडीन से रिप्लेस कर लो, ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आप उसको रिप्लेस करोगे जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा उसकी वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो इनकी पीके वैल्यू दी गई है, पीके वैल्यू एक बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसके लिए है 4.8, 2.9, 1.3 एंड 0.7। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीके वैल्यू आप इजीली देख सकते हो कि जो एस्टिक एसिड है वो वीक एसिड है, और ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। ये क्या सबसे स्ट्रोंग एसिड है, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। और अगर हम बात करें जैसे मेरे पास ये है H3PO4, H3SO4, जिनके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिनके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है अगर वो एक से ज़्यादा है, इनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। मैंने पहले भी आपको बताया इन सब को हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, और जो इनके लिए पीके की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इनके लिए PK1 होगा, PK2 होगी, PK3 होगी। मीन्स एक एसिड को, एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने पे क्या पीके वैल्यू आएगी, जब हम सेकंड को करेंगे, जब हम थर्ड को करेंगे। होता कैसे है, H3PO4 गिव H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। होगा कैसे, यहाँ पे K1 K2 K3 उसी के अकॉर्डिंग पे PKA1 PKA2 PK3 डिफरेंट वैल्यू होती है, 2.1 2.3 0.8 2.2 क्योंकि जो सबसे PK3 ये वैल्यू ज़्यादा है तो K1 सबसे कम होगा। जो सबसे पहले एसिड रिलीज होता है H पॉजिटिव, H2PO4 नेगेटिव, जब H2PO4 नेगेटिव होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। उस जो सेकंड वाले जो एसिड होता है H पॉजिटिव होता है उसको रिलीज करना इतना इजी नहीं होता, उसके जो सिक्वेंस में जो भी फर्दर आगे एसिड H पॉजिटिव आयन्स हैं, जो भी प्रोटॉन्स हैं उनको रिलीज करना वहाँ पर इतना ईजी नहीं होता। सो ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड में हमारे पास इतना ही है। बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया गया है, बुक में वो एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला क्या है, पीके इक्वल टू 8.0 माइनस 9.0 एम प्लस 4.0 एन, एन एम को वहाँ पे बताया गया है कि एम क्या है, वहाँ पे फॉर्मल चार्ज है, एन अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, वो बुक में से देख के आप उसको इजीली वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरे पास हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए होती है। जब तक आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तब तक आप उस फॉर्मूले को वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। या हम उसमें क्या करते हैं कि हम थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड वैल्यू से और जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है उन दोनों को कोरिलेट चेक करते हैं कि जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू उनके बीच में कुछ कोरिलेशन वहाँ पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, कि जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी हम स्ट्रेंथ को वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।